राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनाव का माहौल चल रहा है सर, क्या कुछ मौसम है चुनाव का, क्या कुछ कहिएगा ओबीसी मोर्चा किस बार? राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा अपने स्थापना काल से लगातार ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहा है और पिछले कई वर्षों से हम लोग जातीय जनगणना करना और ओबीसी का जनसंख्या अनुपात में आरक्षण की मांग हम लोगों ने किया था और क्रीमी लेयर हटाने, अनुबंध समाप्त करने, लेटरल एंट्री समाप्त करने, अग्निवीर योजना को समाप्त करने जैसे कई मांग हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से, मांग पत्र के माध्यम से हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों ने इस आवाज़ को बुलंद किया था और उसी का परिणाम है कि कई दल अपने घोषणा पत्र में हमारे मुद्दों को लिया है। तो हमारे घोषणा या हमारी मांग जो है, जो ओबीसी के समस्त लोगों के कल्याण के लिए ये मुद्दे जातीय जनगणना और जनसंख्या अनुपात में आरक्षण देने की बात इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने किया है, तो इसलिए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा बहुत ही उत्साहित होकर इंडिया गठबंधन को समर्थन कर रहा है और हम अपने समाज से भी अपील करेंगे कि अपने आने वाले पीढ़ी के लिए सुनहरा और भविष्य के लिए हमें इंडिया गठबंधन की तरफ जाना चाहिए। आपकी के सदस्य ओबीसी मोर्चा के राजकुमार भगत जी जो है सांसद जी, उन पर काफ़ी आरोप लगाए थे, उनका चैट वायरल हुआ था, इस बारे में क्या? देखिए, वो निशिकांत दुबे जी असंवेदनहीन कह लिए हैं वो व्यक्ति। हम किसी को कोई सहयोग, किसी के संकट के घड़ी में कोई सहयोग के लिए मांगता है, मर रहा हो अगर पानी मांगता हो और आप तुम कहो आप कि नहीं हमसे फलाने ने पानी मांगा था हमने नहीं दिया है, ये कौन सा ये बात है? ऐसे आदमी को यहाँ से गंगा पार लगाने में देर नहीं करनी चाहिए समाज के लोगों को। चुनावी माहौल है, आज भी आप लोग कार्यक्रम में जा रहे हैं और आज प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ कहिए? आप देख रहे हैं कि इस चुनाव में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा लगातार इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में भी काम कर रहा है। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने अभी आपको बताने का काम किया है और ख़ास करके गोड्डा लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में आप देखते होंगे कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने इस बार के चुनाव प्रचार में एक अहम छाप छोड़ने का प्रयास किया है और जिसका परिणाम ये आया कि जो व्यक्ति ओबीसी के खिलाफ हमेशा रहते थे आदरणीय निशिकांत दुबे जी, उनको ये स्वीकार करना पड़ा और उन्होंने घुटना टेका और घुटना टेक करके कहा कि मैं 27% आरक्षण अब दिला करके रहूँगा। यही ओबीसी मोर्चा का कमाल है और ओबीसी मोर्चा ने जो प्रयास इस बार किया है पूरे क्षेत्र में, उसका परिणाम 4 तारीख को सामने आएगा। अब तो अध्यक्ष जी भी आ गए हैं, चुनावी दौरा और काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और हम लोग निश्चित तौर पर यह मान करके चल रहे हैं कि इस बार गोड्डा में बदलाव होना ही है। काफ़ी चर्चित चेहरा आपका रहा इस बार, सांसद जी काफ़ी हाईलाइटेड किए और आज प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ कहिएगा? प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पहुँचे हैं, हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं, इनका स्वागत करने के लिए हम लोग आए हैं। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा जिला गोड्डा के सभी साथी यहाँ हैं, पदाधिकारीगण हैं, साथ में हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, सबों का साथ मिल रहा है और हम लोग काफ़ी अब एनर्जेटिक हो गए हैं प्रदेश अध्यक्ष जी का आने से और हम लोग अधिक से अधिक और जो है अब प्रदीप जी के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में प्रचार करने में और वोट को डलवाने में हम लोगों को बहुत सहयोग मिलेगा। और चर्चित चेहरे की जहाँ तक बात कहे अपने, तो चर्चित तो हम लोग सम्राट अशोक के वंशज हैं, चंद्रगुप्त के वंशज हैं, बुद्ध के वंशज हैं, कबीर के वंशज हैं, तो हम लोग चर्चित तो हैं ही। भारत का निर्माण हम लोगों ने किया है, दूसरा कोई करने वाला नहीं। सांसद जी आरोप लगाए थे कि बहुत मोटा रकम की मांग किए थे आप।
हाँ, तो आप प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी हमारे उस जवाब को दिए, और मैं भी बता देना चाहता हूँ कि ये बेहयापना है सांसद महोदय जी का, जो कि एडिट करके वो दिखाने का काम करते हैं कि 25 लाख रुपये का डिमांड किया गया था, जबकि मेरे व्हाट्सएप में ऐसा कोई मांग का पैसा का जिक्र नहीं है। सहयोग की अपेक्षा हर लोग करता है, सांसद से, विधायक से, मंत्री से, जनप्रतिनिधि, तो इसीलिए बनाया जाता है ना कि आपातकाल में, विपत्तकाल में सहयोग करे, लोगों की जो दुख है उस दुख को समझे। लेकिन सांसद महोदय जी ने ओबीसी वर्ग के लोगों पर जो एक कीचड़ उछालने का काम किया, ये तो बेहयापना है सांसद महोदय जी का। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल? हमरे बिलैया हमरे करण मियाँ, हमरे वोट लेके हमरे आँख दिखाए जो 15 साल सांसद रहो, कभी ओबीसी की बात उठेलो तो लोकसभा में, एक भी जाति के बात उठेलो तो लोकसभा में, किस ख्याल से तो आज अलो घर घर वोट मांगे छो, पिछली जाति के यहाँ वोट कहे जाए मांगे ले, जब शर्म आना चाहिए ऐसे नेताओं को जो कि पिछड़ों के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं लोकसभा में, सिर्फ जो है बेमतलब के मुद्दे का, कभी वो झारखंड के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, बिना तो गोड्डा के लिए किसी क्षेत्र का वो आवाज़ उठाते हैं। सिर्फ आप कहेंगे कि रेल लाया यहाँ पर, रेल जो है आई है अडानी के लिए आई है, अगर इन्होंने लाया है तो जो है पहले जब ये जीते तो वो ले आए होते, रेल तब आई जब यहाँ अडानी आई, आपका कहाँ गया सैनिक स्कूल का मिशन कहाँ गया? आप वो तो बोलते हैं कि एम्स आया, एयरपोर्ट आया, अडानी आया, एम्स एयरपोर्ट अडानी अगर लाना रहता तो आप पहले टर्म में ले आते, ये तो तब आई। और आप भी जान रहे हैं कि मनमोहन डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो है वो एक जो है ड्रीम प्रोजेक्ट था एम्स का जो है बात, आपने हम लोगों को सपना दिखाया था कि हम गंगा का पानी जो है यहाँ लाएंगे, यहाँ के किसानों को मालामाल कर देंगे, और जो है हम सैनिक स्कूल खोलेंगे, इत्र पार्क खोलेंगे, यहाँ के जो है आपका भगैया में जो सिल्क उद्योग है उसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दिलाएंगे। आज सब आपका वादा फीका रह गया। बगल में एक कजिया नदी है, इसको लेकर पिछले 10 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं, पूरा ट्विटर उसका हमने भर दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी संज्ञान नहीं लिया। तो सच्चाई यही है कि इसके अंदर में इंसानियत नहीं है, इसके अंदर में मानवता नहीं है, ये हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा से भी नीचे समझते हैं। आज भी इसके दिमाग में वही मनुवादी व्यवस्था है, हम लोगों को शुद्ध, जितना भी पिछड़ा समाज है हम लोगों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम लोगों को शुद्ध समझते हैं, और इसीलिए वो इसी तरह का व्यवहार भी करते हैं। आज चुनाव है, आज आप नौटंकी करते हैं, आज कहते हैं कि हम 15 साल में दूसरी बार थाना आए, ये खुद मतलब आप स्वीकार करते हैं कि 15 साल में हम 2 कार्यकर्ता का ही जो है हम रक्षा कर पाए, ऐसे लोग जो है आपका भला करेंगे? ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसे लोगों को जो है नहीं मौका देना चाहिए, कभी नहीं मौका देना चाहिए। आज ये देखिएगा 5-6 दिन में, मैं ये एकदम भविष्यवाणी कर देता हूँ कि 24 तारीख से लेकर 30-31 तारीख तक में ये कुछ ना कुछ जो है उल्टा पुल्टा ऐसा माहौल करेंगे, फिर वो कबूतर का खून माथा में लगाएंगे, ड्रामा करेंगे, या किसी कार्यकर्ता को पिटवाएंगे, या जो है कुछ बड़ा कांड करवाएंगे, माहौल बिगाड़ के ये वोट ले सकते हैं। इनको पता है विकास के मुद्दे पर जनता जो है वो थप्पड़ मारेगी, वोट नहीं मारेगी। ओबीसी समाज से भी आते हैं, राजद का भी कार्यक्रम है, तेजस्वी यादव का कार्यक्रम हो रहा है, कैसा कार्यक्रम रहेगा, क्या कुछ तैयारी आप लोग की तरफ से? देखिए, पिछले 10 मई को ही राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने अपना समर्थन हुड्डा के कांग्रेस समर्पित महागठबंधन के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया, और उसी दिन से निशिकांत दुबे बौखला गए, क्योंकि देखा कितना बड़ी संख्या ओबीसी की है, 60 से लेकर 64% आबादी है, और राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का समर्थन प्रदीप जी को है, जो प्रदीप जी का कल भ्रमण किए हम लोग राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा महागमा विधानसभा में ठाकुरगंगटी मेहरवा, जिसके चलते बहुत सारे लोग भयभीत हो गए हैं, और जिसका डिबेट भी जिला टॉप के माध्यम से हम लोग का महागमा में हुआ था, और इतना अच्छा माहौल था कि यदि वो डिबेट को यदि आज दिखाएंगे वो, तो श्रोता आप देख लीजिएगा कि माहौल किस तरफ था, और इतना अच्छा माहौल लगा कि खुद निशिकांत की बहन भी आई थी चुनाव में, मुरारी जी भी लोग भी थे महागमा में, और उसका डिबेट चला, और डिबेट इतना चला कि जनता इतना समर्थन दिया, उन लोगों का मुँह बंद हो गया। और आज रही बात कि आज जो मोहनपुर में तेजस्वी जी का प्रोग्राम है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, हम लोग समर्थन देने के लिए जा रहे हैं, और ख़ास करके हमारे राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए हैं, इनके अब्सेंट में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के तरफ से, और राष्ट्रीय ओबीसी समाज के लोग महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने के पक्षधर हैं, और भारी मतों से प्रदीप भैया को यहाँ से जिताकर सांसद भवन भेजेंगे।